आज हमारा लास्ट डे है, सुबह नाश्ता करके हमने निकल जाना है। और लीजिए जनाब, टेबल सज चुका है। ये है जी पूरी पूरी ट्राउट फिश। और ये जो फिश है ये पकड़ी किसने है? ये पकड़ी है इन्होंने। वो देखिए रास्ते में हमें आबशार मिली है, इतनी खूबसूरत। अब हम अस्तौर को खुदाफिस कह रहे हैं। अस्तौर में से हम बाहर निकल रहे हैं। अभी हम बाबू सर टॉप तक नहीं पहुंचे और उससे पहले ही हमारी गाड़ी जो है वो बंद हो गई है। लीजिए जनाब, अब हम आ चुके हैं बाबू सर टॉप पे और अब हम खाएंगे भुट्टा। एडवेंचर करने के बाद अल्लाह माफ करे, बहुत ही खतरनाक एडवेंचर था। हेलो गाइस, आज हमारा लास्ट डे है तकरीबन, क्योंकि रात ही बस हमने इधर वजीर महल में गुजारनी है। अस्तौर में आज हमारा लास्ट, यानी लास्ट हमारी नाइट है। सुबह नाश्ता करके हमने निकल जाना है और रात का टाइम है। और मैंने सर में ऑयल लगा लिया क्योंकि अभी मैंने नहाना धोना है, सुबह की तैयारी करनी है और सुबह हमने नारान पहुंचना है। लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि रास्ते में जनाब बाबू सर टॉप के ऊपर बर्फबारी यानी कि स्नो फॉलिंग हो चुकी है, तो हम उसे भी इंजॉय करेंगे, अपनी जैकेट्स भी लेकर जाएंगे। तो पैकिंग भी मैं अपनी कर रही हूँ और रात का टाइम है, यहाँ पे भी काफ़ी ठंडक है, कूल वेदर है। और मुझे पता चला है कि हमारे लिए बन रही है ट्राउट फिश। और ट्राउट फिश जो है वो कैसे बन रही है मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए जनाब किचन की तरफ चलते हैं, किचन की तरफ चलते हैं। और ये है जी हमारा किचन और मैं आपको ट्राउट फिश भी दिखाती हूँ। अभी इस वक्त शाम के 7-8 बज रहे हैं और वेदर काफ़ी कूल है यहाँ पे, मैंने भी जैकेट पहनी हुई है और मुझे खुशबूएं आ रही हैं फिश की। ओ माय गॉड, क्या खुशबू है। चलते हैं जनाब यहाँ अंदर और यहाँ पे टेबल देखें, सज चुका है। लेकिन मैं जाऊँगी किचन में जाके देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, बन गई आपकी फिश? दिखाएं, कहाँ है फिश? ये तो फिश नहीं है, ये देखें फिश, वाह जी वाह। और ये हमारे स्पेशल जो कुक हैं उन्होंने बनाई है और ये सब इनके सहूलतकार हैं। ठीक है जी, जबरदस्त जबरदस्त। कितना टाइम लग जाएगा? और बिल्कुल रेडी है ट्राउट फिश, पूरी पूरी फिश देखें, वाह जी वाह, अमेजिंग। और ये जो फिश है ये पकड़ी किसने है? ये पकड़ी है इन्होंने पकड़ी है। अच्छा, ये छोटे साइज की इसलिए कि जो फॉर्म की फिश होती है ना, बेसिकली फॉर्म की फिश बड़ी होती है और जो असली वाली दरिया से पकड़ते हैं वो ये वाली फिश होती है। और खाने में स्पेशल चीजें बन रही हैं। ये क्या है बताएं? ये चिकन चाउमिन। चिकन चाउमिन को कह रहे हैं क्या? चिकन चाउमिन। चलमिन चाउमिन 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 चाउमिन। और ये बना रहे हैं जी रोटी यहाँ पर। लीजिए जनाब, टेबल सज चुका है। ये है जी पूरी पूरी ट्राउट फिश और ये चाउमिन चाउमिन, साथ में ये फिश, केचप और सेवन अप भी दो। ये लोग गाने गा रहे हैं अंदर किचन में बंद करके, आवाज सुने। गाओ 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 गाओ, आप लोग गाने गा के अपनी आवाजें में सुना रहे हो, वो भी इतनी खराब आवाज। किसकी आवाज थी? इसकी थी। अच्छा, इसकी ना अभी शादी है कुछ दिन बाद और इसने हमें इनवाइट भी नहीं किया। इसकी शादी पिछले जन्म में होगी। पिछले जन्म में क्यों नहीं शादी होती, दुल्हन क्यों भाग जाती है? अकरम भाई, हम जा रहे थे, मैंने सोचा था कि आप हमारे दुख हमारे जाने पे दुखी हो रहे होंगे, लेकिन आप तो गाने गा रहे थे सारे। नहीं गए गाने, कसम से नहीं गए, वो शायद था। लेकिन आप लोग खुश तो हो रहे हैं ना कि हम जा रहे हैं? कोई खुश नहीं है, दुखी है। फिर मैं कब आऊं? अगले सीजन में। ठीक है, वो किधर गया दूसरे वाला, वो जो गाने गा रहा था? ठीक है, ओके। फिर आज हमारी आज आखिरी रात है यहाँ पे दुनिया में, नहीं यहाँ पे। और सुबह नाश्ता आपने हमें टाइम पे करवाना है ताकि हम टाइम पे निकलें। ठीक है,
ओके बस बाकी क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं बताएं बताएं इसको कुछ कह रहा था इसको इसको कह रहे हैं ये जो फसाद की जड़ है और फिश हम खा चुके हैं अब हमारे लिए आ रही है जनाब जी चाय और चाय बन रही है जी वहां पर लाओ भाई चाय लाओ लो जी चाय आ गई है गर्मा गर्म चाय ये सेकंड लास्ट चाय है क्योंकि सुबह नाश्ते के साथ हम चाय पियेंगे जी तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टोर के अंदर हमारा लास्ट डे है और सुबह हो चुकी है नाश्ता हमने कर लिया है वही ब्रेड अंडे वगैरह और गाड़ी जो है वो हमारी आ चुकी है ठीक है और हम लोग निकलने लगे हैं यहाँ से और बहुत ज़्यादा हम मिस करेंगे वज़ीर महल को क्योंकि वज़ीर महल जो है उसमें हमारा एक बड़ा यादगार टाइम गुजरा और ये वो तमाम हजरात जिन्होंने हमारी बड़ी खिदमत की हेलो तो जनाब अब हम यहाँ से जाएंगे पहले नरान और नरान में हम स्टे करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से फिर हम पहुँचेंगे लाहौर तो चलिए ये जो रास्ते का जर्नी है ये भी आपको दिखाएंगे क्योंकि जब हम वहाँ से आ रहे थे तो रात के टाइम लेट नाइट जो है वो यहाँ का सफ़र हमने किया था तो रास्ते जो नज़ारे हैं स्टोर में एंटर होने से पहले के वो हमने आपको नहीं दिखाए थे तो वो अब हम आपको दिखाएंगे चलिए मेरे साथ चलो भाई सब लोग आयतुल कुर्सी पढ़ लो सब लोग आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो जनाब हम लोग अब निकल चुके हैं और इंशाल्लाह ताला नरान जाके स्टे करेंगे वो देखिए रास्ते में हमें आबशार मिली है इतनी खूबसूरत हम सोच रहे हैं कि हम इधर जाएं रास्ता भी बना हुआ है तो हम अभी जा रहे हैं इधर ऊपर जाएगी ये देखिए मेरे बैकग्राउंड में वो देखें आबशार तो लीजिए जनाब हम अब हम अस्तौर को खुदाफिस कह रहे हैं अस्तौर में से हम बाहर निकल रहे हैं और एंट्री करवा रहे हैं ड्राइवर पहुंच गए हैं जी एंट्री करवाने के लिए सामने ट्रक्स ऑलरेडी खड़े हैं वो देखें और ये ऊपर जो है खुबानी के दरख्त लगे हुए हैं और आड़ू के लास्ट टाइम मैंने यहाँ से खुबानी तोड़ के खाई थी लेकिन अभी मुझे यहाँ पे कोई खुबानी नज़र नहीं आ रही हम आ गए हैं जी रायकोट और रायकोट से लोग ऊपर फेरी मेडोज़ को जाते हैं और हम लोग यहाँ से भी निकल रहे हैं आगे आ जाएगा हाँ ये शंग्रीला रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने लास्ट टाइम खाना भी खाया था और हम रुके भी थे यहाँ पे और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और चिल्लास का जो पूरा इलाका है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये देखें ये बोर्ड नज़र आ रहा है आपको फेरी मेडोज़ यहाँ से ऊपर को जाता है रास्ता यहाँ से ऊपर को लेकिन यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बड़ा मुश्किल है जी यहाँ पे घूमना ये जो जगह आप देख रहे हैं ना इसको बोलते हैं तत्ता पानी तत्ता होता है गर्म और यहाँ पे बेसिकली सल्फर के पहाड़ हैं और सल्फर यानी गंधक बोलते हैं उर्दू में ठीक है तो गंधक बारूद के लिए इस्तेमाल होती है इसलिए यहाँ पे बहुत गर्मी भी होती है और ये जो पानी है ये बिल्कुल उबलता हुआ पानी यहाँ से आता है इसलिए इसको तत्ता पानी बोलते हैं और लोग जो हैं वो यहाँ से पानी भर के उस पानी से बाद में नहाते हैं तो कहते हैं कि बहुत सारी जो स्किन की बीमारियाँ हैं वो उससे दूर हो जाती हैं यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है वो देखें सामने रोड के ऊपर जो है ना बहुत बड़े बड़े पत्थर आके गिरे हैं वो देखें सामने ये वाले मैं आपको दिखाती हूँ ये तो अब वो जो है ना हर्डल्स को रास्ते में से हटा रहे हैं और इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर गाड़ियों की और अब फाइनली गाड़ियाँ जो हैं वो चलना शुरू हुई हैं और लैंडस्लाइडिंग जो है वो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ हुई है ये देखिए कितनी डस्ट है यहाँ पे कितनी बीच में से जो है ना वो पत्थर आ रहे हैं ऊपर से जिसकी वजह से यहाँ पे रास्ता जो है वो पूरा बंद था देखें कितनी मुश्किल से गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं पत्थर ही पत्थर हैं और काम ही काम हो रहा है देखें ज़रा ऊपर पत्थर कितने डेंजरस हैं और
दरख्त कह रही हूँ, पहाड़ देखें कितने ऊंचे ऊंचे हैं, और ऊपर से खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त पत्थर जो है वो नीचे आके गिर जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये ऐसे ही गिरा है, किसी गाड़ी पे नहीं गिरा, कोई नुकसान नहीं हुआ किसी का। करो करो, तो 3,000 से कुछ कमी बेशी है हमारे लिए, मेहमान है आपके। चलो 200 भाई तुम्हारे चाय हो गया। ले जाफरी साहब, आपका गिला धो रहे हैं हम, और आपके लिए चिल्लास की गर्मी में खड़े होके हम पैकेट बनवा रहे हैं, आपके लिए ड्राई फ्रूट लाएंगे, ठीक है? अभी तो गर्मी खत्म हो गया, आपके लिए पैकेट बनवा रहे हैं। नहीं नहीं, जाफरी साहब एक पैकेट सामान देंगे। आजो आजो आजो, जाफरी साहब ये देखिए, हमने आपके लिए पिस्ता डलवाया है, बादाम डलवाए हैं, ये डलवाया है, काजू डलवाया है हमने आपके लिए। 10,000 रुपए का पैकेट दे रहा है हमें। ये देखें जाफरी साहब, ब्लैक अंगूर डलवाया है, बादाम डलवाया है, पिस्ता डलवाया है, काजू डलवाए हैं हमने, काजू चेरी भी डलवाने लगे हैं। ये देखें, ये चेरी है यहाँ की मकामी। आप लोग कराची का है? बस ठीक हो गया। 1 किलो पैकेट देखे हमें 10,000 रुपए का दिया है ये। ये हमने मिक्स लिया है, चिलगोजा लिया है, अखरोट लिए हैं, बादाम लिए हैं, अभी और ले रहे हैं। ये मैं अपनी मामा के लिए ले रही हूँ, पिस्ता, काजू और बादाम और अखरोट, अखरोट भी, बादाम थोड़े डालना। बस किलो बराबर हो जाएगा भाजी, 40-50 ग्राम काम है, बादाम डालेगा, डालो। जाफरी साहब ये देख लें, 13,500 रुपया अगला आप मांग रहे हैं हमसे एक पैकेट का, ये लो। आपको मैं बताऊं कि जैसे ही अस्तोर से हम लोग बाहर निकले, तो अस्तोर के अंदर का जो वेदर था वो बहुत कमाल था, लेकिन जैसे ही आप लोग चिल्लास में आते हैं, चाहे कितनी भी सर्दी हो, आपको बहुत गर्मी लगती है, और वहीं पर अगर आपको ड्राई फ्रूट के लिए रुकना पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाता है। अच्छा जनाब, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, अभी हम बाबू सर टॉप तक नहीं पहुँचे, और उससे पहले ही हमारी गाड़ी जो है वो बंद हो गई है, और खान साहब का कहना है कि गाड़ी जो है वो हीट अप हो गई है, और मैंने उनसे कहा है कि आप गाड़ी को खोल दें ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए गाड़ी, और बाकी सब जो है वो बाहर निकल गए। हमारा ड्राइवर हमें रोड पर छोड़ के चला गया, और हम सब लोग जो हैं वो खुद ही पैदल चल रहे हैं। लो जी, हम चल रहे हैं, ड्राइवर आगे जा चुका है क्योंकि गाड़ी हीट अप हो गई है, और अब हमें एक और गाड़ी ने लिफ्ट दे दी है, हम अब उसमें जाएंगे। इस गाड़ी में जाएंगे हम। लीजिए जनाब, अब हम आ चुके हैं बाबू सर टॉप पे, और हम अपने ड्राइवर के इंतजार में हैं कि वो आ जाए, उसकी गाड़ी ठीक हो जाए, और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं उसका। मेरे हबी ने मुझे बोला कि तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए एक एडवेंचर जो है ना वो लेकर आया हूँ, तुम एडवेंचर करो, मैं तुम्हारा वीडियो बनाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे इस तरह का एडवेंचर कराएंगे। उन्होंने फौरी तौर पर मुझे जाके इस साइकिल के ऊपर बिठा दिया जिसे आप देख रहे हैं। अच्छा, मैंने ये सोचा कि ये साइकिल जो होगी ये इतनी कोई डेंजरस टाइप की तो होगी नहीं, और डेफिनेटली वहाँ पे दो लोग खड़े थे जो मुझे वहाँ पे उसके साथ स्ट्रिप्स वगैरह बांध रहे थे, तो मैंने सोचा ये दो लोग जो होंगे ये क्या करेंगे कि मेरे साथ ही चलेंगे, और मुझे लगा कि इनमें से कोई एक जो है ना ये साइकिल चलाएगा और मैं सिर्फ बैठ के इसे इंजॉय करूंगी। लेकिन जब उन्होंने मुझे धक्का दिया और मैं आगे गई, और मैंने देखा कि नीचे हजारों मील दूर तक
गहराई ही गहराई है, पहाड़ों की जो गहराई होती है उसको देख के आपको कितना डर लगता है। आप सोचें आप हजारों मीटर्स की ऊपर बुलंदी पे पहुंच जाएं तो आप नीचे देखें आपको कितना डर लगता है। और एक रस्सी या एक चेन के ऊपर एक साइकिल, अच्छा अब मुझे एक और गलतफहमी हो गई, मुझे लगा कि ये जो साइकिल है इसको ये खुद ब खुद यानी कि आगे जाएगी, खुद ब खुद चलेगी, अगर मेरे साथ ड्राइवर या इसका जो भी है राइडर वो नहीं आया तो कम से कम ये खुद ही चलेगी। लेकिन जब मैंने जाके देखा कि वो साइकिल राइट लेफ्ट में झूलना शुरू हो गई, वो साइकिल चल नहीं रही थी, वो कभी राइट को गिर रही थी कभी लेफ्ट को गिर रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं फिसल जाऊंगी, तो मैंने यकीन करें कि जिंदगी में कभी जैसे कहते हैं ना मौत को करीब से देखना, मैंने उस तरह से देखा। मैंने ऊंची ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और इन सब लोगों ने नीचे खड़े होकर मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और हंसना शुरू कर दिया, जिस पर मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि यार मेरी जान पर बनी हुई है। और आप यकीन नहीं कर सकते कि वो पैडल्स मैंने कैसे चलाए और मैं किस तरह से ये साइकिल चला के वहाँ तक पहुँची। और जब मैं आगे वाले स्टॉप पे पहुँची तो मुझे ये पता चला कि वहाँ से फिर वापस आ रहा है, तो मैं वहीं से भाग गई, मैं वहीं से सीढ़ियाँ उतर के भाग गई। और मैंने कहा कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कभी भी इस तरह की राइड या इस तरह का मजाक नहीं करूँगी। बहरहाल ये मेरी ज़िंदगी का वर्स्ट एक्सपीरियंस था, ये साइकिलिंग इस तरह से किसी रस्सी के ऊपर या किसी चेन के ऊपर, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। और अब हम खाएंगे भुट्टा एडवेंचर करने के बाद, अल्लाह ताला माफ करे, बहुत ही अल्लाह माफ करे, बहुत ही खतरनाक एडवेंचर था। बेबी यार वापस नहीं आई, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त एडवेंचर था, जाहिर पता बीवी को मारने की प्लानिंग थी। और अब हम दोबारा निकल पड़े हैं बाबू से टॉप से, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, थैंक गॉड अब गाड़ी सही चल रही है और अब हम इंशाल्लाह ताला डायरेक्ट स्टॉप करेंगे जाके नारान में। और नारान में हमने डिसाइड किया है कि मून रेस्टोरेंट से हम खाना खाएंगे दुम्बा कढ़ाही, और पहले हम होटल में जाएंगे वहाँ पे अपना सारा सामान रखेंगे और उसके बाद हम रात को बाज़ार में घूमेंगे, स्टे करेंगे आज की रात, और अगला दिन जो होगा फिर हम इस्लामाबाद तक पहुँचेंगे।